ओम नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार द्वादशी तिथि 7:15 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मधुर बोलने वाले, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, सुखी और अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे जातक आशावादी, महत्वाकांक्षी, मित्रों को सहयोग करने वाले, उदार हृदय वाले और व्यवहार कुशल होते हैं। ये तकनीकी तथा वैज्ञानिक शिक्षा में रुचि रखने वाले, ईश्वर भक्त और आराम पसंद भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बृहस्पति और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद कर्क राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट कर लें और उस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए पिछले दिनों की चली आ रही भ्रम की स्थिति में सुधार होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक पहल जारी रहेगी। घरेलू तनाव और अविश्वास की स्थिति में भी सुधार मिलेगा। साझेदारी के काम में लाभ की स्थिति पैदा होगी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। जो काम रुक रुक कर हो रहे थे उसमें सहूलियत मिलेगी और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है और पहले की चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में राहत का संकेत मिलता है। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के सुधार और विकास के प्रति केंद्रित रहेगा, अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित मात्रा में बना रहेगा। चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं और अपने कार्य योजनाओं में आवश्यक दिशा निर्देश लाभदायक सिद्ध होगा। गैर जरूरी संसाधनों में भी निवेश की प्रवृत्ति बनी रहेगी, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों के मामले में अच्छी खबर मिलने का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा और अध्ययन अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में चली आ रही रुकावटों को दूर करने के प्रति ध्यान केंद्रित रहेगा और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। नई कार्य योजनाओं में साझेदारी लाभदायक रहेगी और कुछ कामों को संपन्न होने में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अचानक आर्थिक लाभ की स्थिति संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही साथ धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ मानसिक जटिलताओं का दौर खत्म होगा, मगर कुछ मामलों में अनावश्यक तनाव, खर्च और भाग दौड़ संभावित है। साझेदारी के कामों में यात्रा या प्रवास की स्थिति बनती है, मगर कार्य क्षेत्र में नए प्रस्ताव और विकास की संभावनाएं जारी रहेंगी। कुछ उद्देश्यों के प्रति मन संकित रहेगा, मगर अंततः सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में परिश्रम आवश्यक होगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन उचित होगा और संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए रुक रुक कर आपकी कार्य क्षमता में उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास में परिवर्तनशीलता जारी है, फिर भी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और अधिकारियों का सहयोग आपके कार्य क्षेत्र को बल देता है। आज का दिन नई कार्य योजनाओं और साझेदारी के कामों के लिए अनुकूल रहेगा और संबंधित मामलों में प्रतियोगिता की भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक प्रयासों में सहयोग बना रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और मानसिक दबाव पर केंद्रित होगा, साथ ही साथ मां के स्वास्थ्य के प्रति चिंता लगी रहेगी।
हालांकि कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और साझेदारी के नए प्रस्ताव लाभदायक होंगे, मगर निजी निवेश के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और अन्य मामलों में आपके प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक सुख शांति के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल और रचनात्मक प्रयास अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी। कार्य योजनाओं में पैदा हो रही जटिलताओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। साथ ही नई कार्य योजनाओं के लिए अधिकारियों का सहयोग और आवश्यक दिशा निर्देश जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और मेहनत का फल मिलता जाएगा। नए रिश्तों की शुरुआत होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी और पहले के चले आ रहे तनाव और मानसिक जटिलताओं से राहत मिलेगी। कुछ बहुप्रतीक्षित काम होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में से सफलता हासिल होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके परिश्रम का उचित पारिश्रमिक मिल सकता है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। सावधानी अपेक्षित है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में होने वाले प्रयासों और उसके प्रति सफलता की ओर संकेत करता है। आपके मेहनत का पूरा फल मिलता जाएगा। चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। जिस काम के प्रति थोड़ा प्रयास करेंगे उसमें पूर्ण सफलता की उम्मीद बनी रहेगी। नई कार्य योजना और साझेदारी के प्रस्तावों में भी लाभ की उम्मीद बनती है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। किसी महिला की भूमिका आपके सहयोग और उचित दिशा निर्देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग और सफलता की उम्मीद बनती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति की भूमिका मन मुताबिक आर्थिक लाभ के लिए संकेत करती है। साथ ही साथ आपकी वाणी किसी को प्रभावित करने के लिए सक्षम होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। आपके कार्य क्षेत्र के कुछ अधूरे काम चले आ रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में पूरे होंगे। हालांकि अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता बनी हुई है। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। निजी निवेश की कुछ योजनाएं पूरी होंगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी रखनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हर क्षेत्र के सुधार के लिए मानसिकता बनी रहेगी। चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही चल रहे हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। आर्थिक क्षेत्र में आने वाली अड़चनें दूर होंगी। कार्य योजनाओं में सार्थक पहल जारी रहेगा। साथ ही साथ हर काम करने के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह बना रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक मिलेगी और नई योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग और सफलता की उम्मीद बनती है। कुछ निजी और विवादित योजनाएं भी संपन्न हो सकती हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय लेने के लिए उचित नहीं होगा। अनचाही यात्रा और व्यय की स्थिति संभावित है। विभागीय कर्मचारियों या कार्य क्षेत्र में लगे हुए सहकर्मियों से मानसिक दबाव पैदा हो सकता है। किसी मुद्दे को विवाद में बदलने की कोशिश उचित नहीं होगी। अपने खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक होगा, मगर कार्य योजनाओं की निरंतरता प्रभावित नहीं होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मानसिक भ्रम वाली स्थिति में बीतेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। आइए अब कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय की चर्चा करते हैं।
कर्क राशि के जातकों के अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए इस उपाय को करने चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता हो, जीवन में संघर्ष की स्थिति हो, तो जीवन में अनुकूलता के लिए प्रातः उठकर माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें तथा विचार नेक और उच्च रखें। चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करने से भी अनुकूलता मिलेगी। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हों तो इनसे बचने के लिए चंद्रमा गले में धारण करें। अगर इसमें मोती लगा हुआ है तो और अच्छा होगा तथा बहते हुए जल में दूध बहाने से भी शारीरिक सुख बना रहेगा। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हों तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के समक्ष तेल का दीपक जलाना उचित होगा। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो 43 दिन तक प्रतिदिन पीपल के 5 पत्ते बहते हुए जल में प्रवाहित करें। शेयर इत्यादि में अकस्मात धन लाभ के लिए कड़वे तेल में बनी हुई कचौड़ी शनिवार के दिन किसी वृद्ध भिखारी को खिलाना चाहिए। संतान सुख के लिए 1.25 किलो मूंग मंगलवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करें तथा घर में मिट्टी के पात्र में शहद भरकर नित्य प्रति उसका सेवन करना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए मोगरे का फूल जल में डालकर सिरहाने रखें अथवा शयन कक्ष में मोगरे के फूल सजावट के तौर पर रख सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। यथासंभव प्यासे व्यक्तियों के लिए पीने योग्य जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अकस्मात बाधाएं दूर करने के लिए मीठी रोटियां बनाकर कुत्ते को खिलाएं, अनुकूलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।